एक ओवर में चाहिए थे 17 रन। संजू सैमसन ने धोनी को रोकने वाले बॉलर को थमाई गेंद, जीत का मनने लगा जश्न। तभी फील्ड पर बजी सायरन, अंपायर ने किया इशारा और जीता हुआ मैच हार गई राजस्थान। इन दो खिलाड़ियों ने हराया। 19वें ओवर का भूत यहां भी पड़ा भारी। संजू सैमसन ने नहीं की होती 3 गलतियां तो नहीं होती ऐसी शर्मनाक हार। हारा हुआ मैच कैसे जीतते हैं ये धोनी से सीख सकते हैं, और जीता हुआ मैच कैसे हारते हैं ये संजू सैमसन से बेहतर कोई नहीं बता सकता। हम आपको बताते हैं कि संजू सैमसन की किन गलतियों से राजस्थान रॉयल्स जीता हुआ मैच हार गई। लेकिन उससे पहले आखिरी ओवर का रोमांच सुनिए। सनराइजर्स हैदराबाद को जीत के लिए 6 गेंदों पर 17 रन की जरूरत थी। क्रीज पर खड़े थे अब्दुल समद और मार्को जैनसन। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने गेंद संदीप शर्मा को थमाई। ये वही बॉलर थे जिन्होंने पिछली बार धोनी को आखिरी ओवर पर बड़ा हिट लगाने से रोका था। राजस्थान रॉयल्स जीत गई थी। संजू ने उसी चमत्कार की उम्मीद से संदीप शर्मा को गेंद थमाई। संदीप ने पहली बॉल फेंकी, अब्दुल समद ने 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर अब्दुल समद ने छक्का जड़ा और तीसरी गेंद पर 2 रन लिए। अब सनराइजर्स हैदराबाद को 3 गेंद में 7 रनों की जरूरत थी। चौथी और पांचवी गेंद पर दोनों खिलाड़ियों ने 1-1 रन लिए। अब बची थी सिर्फ आखिरी गेंद। बिल्कुल चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की मैच वाली स्थिति हो चुकी थी। वहां भी आखिरी गेंद पर 5 ही रनों की जरूरत थी। संदीप ने गेंद फेंकी और कोई रन नहीं बना। राजस्थान की टीम जीत का जश्न मनाने की मूड में आ चुकी थी। संजू सैमसन ग्लव्स उतारकर बस पवेलियन की ओर बढ़ने ही वाले थे। तभी फील्ड पर सायरन बजा, अंपायर ने इशारा किया और कहा कि ये 9 बॉल थी। इतना सुनते ही सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ियों ने सुकून की सांस ली, जबकि संजू की टीम की धड़कनें बढ़ चुकी थी। सबसे ज्यादा टेंशन में उस वक्त संदीप शर्मा थे जब उन्हें एक और गेंद फेंकनी थी। जैसे ही संदीप ने गेंद फेंकी, अब्दुल समद ने उस पर शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम को मैच जिता दिया। ये तो आखिरी ओवर का रोमांच हुआ। अब ये सुनिए कि कैसे राजस्थान रॉयल्स जीता हुआ मैच हार गई। 19वें ओवर में राजस्थान रॉयल्स की टीम जीत के बिल्कुल करीब थी। सनराइजर्स हैदराबाद को 12 गेंदों में 41 रनों की जरूरत थी। संजू सैमसन ने यहां बड़ी गलती की और ओबेड मैककोई की जगह कुलदीप यादव को गेंद थमा दी। कुलदीप की 3 गेंदों पर ग्लेन फिलिप्स ने लगातार 3 छक्के जड़े, फिर 1 गेंद पर चौका जड़। यहां से सनराइजर्स हैदराबाद को जीत की राह आसान दिखने लगी। तभी संदीप शर्मा ने आखिरी गेंद 9 बॉल फेंककर अपने करियर की बड़ी गलती कर दी, वरना वो राजस्थान की जीत के हीरो होते। आप शायद ये जानकर हैरान रह जाएं कि इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के हर खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया। संजू सैमसन ने जॉस बटलर के साथ मिलकर शानदार शतकीय साझेदारी की। जॉस बटलर ने 59 गेंदों में 95 रनों की पारी खेली, जबकि संजू ने 38 गेंदों में 66 रन बनाए। यहां तक कि यजवेंद्र चहल ने अकेले 4 विकेट भी चटकाए। पर कहते हैं कि कप्तान अगर एक गलत फैसला ले ले तो खिलाड़ियों की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। यहां तो संजू सैमसन ने एक नहीं बल्कि 3-3 गलतियां की। पहले सनराइजर्स हैदराबाद को शुरुआती ओवर में रोकने के बाद थोड़े निश्चिंत हो गए। 19वें ओवर में जमकर रन लुटवाने वाला गेंदबाज भेजा और 20वें ओवर में जब मैच पलटने का वक्त था तब विकेट के पीछे खड़े सिर्फ संदीप शर्मा की ओर देखते रहे। ऐसे वक्त में अगर धोनी होते तो वो हर गेंद पर अपना प्लान बदलते, बैट्समैन पर प्रेशर बनाते, 1-1 रन के लिए विरोधी टीम को तरसा देते। लेकिन संजू में वो बात दिखी ही नहीं। फिर भी संजू के फैंस ये कहते हैं कि संजू में धोनी की झलक दिखती है। आप इस पर क्या कहेंगे वो हमें कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन राजस्थान रॉयल्स की जैसी शर्मनाक हार हुई है, जैसे सनराइजर्स हैदराबाद ने जबड़े से चीनी, उससे यही लगता है कि राजस्थान के खिलाड़ियों को आखिरी वक्त में प्रेशर हैंडल करने के लिए अलग से क्लास लेने की जरूरत है।